दोस्तों, क्या आप अपने शॉर्ट्स में शॉर्ट को अपलोड कर रहे हो लेकिन आपका शॉर्ट में व्यूज नहीं आ रहा है? किसी में 100 व्यूज आ रहा है, किसी में 200 आ रहा है, आपकी ज्यादा किसी में 1K 2K व्यूज आ रहा है, व्यूज आपका रुक जा रहा है। और आपका एक वीडियो में दोस्तों सभी वीडियो इसी प्रकार से हो रहा है। अगर आपका सभी वीडियो दोस्तों 1K 2K व्यूज आके व्यूज आपका रुक जा रहा है, तो आप समझ लो आपका जो शॉर्ट चैनल है वो शॉर्ट चैनल आपका फ्रीज हो चुका है। जिसके कारण से आप जो वीडियो को अपलोड करते हैं उसमें किसी में 100 व्यूज आता है, किसी में 200 आता है, किसी में 500 आता है, आप भी ज्यादा किसी में 1K 2K व्यूज आता है, व्यूज आपका रुक जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कैसे आपको फ्रीज चैनल को आपको अनफ्रीज करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, पांच स्टेप में आपको बताने वाला, अगर पांचों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो पहले जो आपको जो 1K 2K व्यूज आपको रुक जा रहा था वो आपका नहीं होने वाला है। और ये पांचों स्टेप को फॉलो करके मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपका हर एक वीडियो में मिलियन व्यूज आना शुरू हो जाएगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ कि पहले जो आपको जो 1K 2K व्यूज आपको व्यूज रुक जा रहा था वो जब आपका नहीं होने वाला है। आप जो भी वीडियो को आप अपलोड करें उसमें किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 50,000, किसी में 1,00,000, आखिर किसी किसी वीडियो में आपको मिलियन में भी व्यूज आपका आ सकता है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में पांचों स्टेप आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, मैं सीधा से नोटबुक में चला जाता हूं जिससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप अच्छे से समझ सके, ठीक है? यहां देखते हैं पहला स्टेप की ओर मैं बढ़ता हूं। जब जिस चैनल में दोस्तों वीडियो को अपलोड करो, सभी को अपलोड करो जिसमें आपको व्यूज नहीं आ रहा, आपको 1K 2K व्यूज आके व्यूज आपका रुक जा रहा है, तो आप करो क्या दोस्तों, उस चैनल में वीडियो अपलोड करना बंद कर दो और आप एक नया चैनल बनाओ, शॉर्ट कैटेगरी में नया चैनल बनाओ। देखो दोस्तों, मैं नया चैनल बनाने के लिए इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब करता है क्या, जब कोई चैनल पुराना हो जाता है तो उसको बूस्ट करना बंद कर देता है, जिसके कारण से दोस्तों जो भी वीडियो को आप अपलोड करते हो उसमें कोई व्यूज नहीं आता है, व्यूज नहीं आता आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। तो आप करो क्या, उसमें वीडियो अपलोड करना बंद कर दो, आप एक शॉर्ट कैटेगरी में एक नया चैनल को बना और उसमें वीडियो को अपलोड करना चालू करो, ठीक है? अरे ऐसा नहीं दोस्तों कि आज हम शॉर्ट वीडियो को अपलोड करें कल लॉन्ग वीडियो को अपलोड करें, ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट वीडियो को ही अपलोड करना है, ठीक है? आप 1 से 2 महीने को उसमें ट्राई करो दोस्तों, ऑटोमेटिक आपका चैनल को यूट्यूब क्या करेगा, बूस्ट करेगा। तो इस प्रकार से पहला स्टेप को ये फॉलो करना है। दूसरा स्टेप दोस्तों आपका रेगुलर वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पर। दोस्तों क्या करना है, आपको कंटेंडेंसी बनाए रखना है, रेगुलर वीडियो अपलोड करना है। 30 दिन में दोस्तों 30 शॉर्ट वीडियो को आपको अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि अगर आज अपलोड कर दे 2 दिन बाद फिर अपलोड करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। आज अपलोड किया तो कल भी वीडियो को अपलोड करना आपको जरूरी है। 30 दिन में 30 वीडियो को आपको अपलोड करना है आपको जरूरी है दोस्तों, तभी आपका जो शॉर्ट चैनल ग्रो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप 30 दिन में सिर्फ 30 वीडियो को नहीं बना पाते हो, आप एक ही दिन में 10 वीडियो को बनाते रखो दोस्तों, आप रोज वीडियो को 10 दिन में अपलोड करो उसी को, फिर 10 दिन के बाद 1 दिन पूरा ट्राई करो, फिर 1 दिन में 10 वीडियो बना लो, और नहीं तो 30 दिन में 30 वीडियो को बनाओ और 30 दिन अपलोड करो एक एक वीडियो करके, ठीक है? तो इस प्रकार दोस्तों अपने YouTube में आपको कंटिन्यूसली बनाए रखना है, रेगुलर वीडियो को अपलोड करना है, दूसरा आर्टिकल, ठीक है? तीसरा दोस्तों कैटेगरी, YouTube में दोस्तों शॉर्ट कैटेगरी में, शॉर्ट में भी दोस्तों कैटेगरी के बहुत मायने रखता है, ठीक है? आप जो चैनल को बनाए दोस्तों उसमें ऐसा नहीं कि दोस्तों आज हम मटर पनीर का सब्जी का वीडियो बना रहे हैं, कल दोस्तों ब्लॉगिंग का डाल देंगे, तीसरा हम दोस्तों कुकिंग का डाल देंगे, आप फिर चौथा दिन दोस्तों कोई मोटिवेशनल का डाल देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक कैटेगरी आपको चूज करना है कि हम जो चैनल बना रहे हैं शॉर्ट चैनल वो किस कैटेगरी का हम वीडियो डालेंगे, तो वही कैटेगरी का दोस्तों आपको रोज रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करना है। जैसे दोस्तों आप जैसे कि कॉमेडी का आप चैनल बनाए हो, ठीक है, कॉमेडी का वीडियो अपलोड करो, तो आपको रोज कॉमेडी का ही वीडियो अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आज हम कॉमेडी वीडियो अपलोड करें कल दोस्तों दूसरा कोई वीडियो अपलोड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे दोस्तों क्या होगा, आपका यूट्यूब आपके चैनल को बूस्ट नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये चैनल दोस्तों इस वीडियो को किसके किसके पास दिखाएं। अगर आपका कैटेगरी एक रहेगा दोस्तों, आपको यूट्यूब करेगा क्या दोस्तों, जो जैसे कि कॉमेडी का रहेगा, तो जिस लोग दोस्तों कॉमेडी का वीडियो देखना पसंद करेंगे उसके पास दोस्तों आपका वीडियो को रिकमेंड करेगा, जिसके कारण वो वीडियो आपको देखेगा और आपका चैनल बूस्ट करेगा दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पर अगर खिचड़ी ऐसा खिचड़ी परोस कर देते हो, आपका एक ही चैनल दोस्तों 10 कैटेगरी का वीडियो का डालते हो रोज, तो उसको यूट्यूब को समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण से आपका चैनल को बूस्ट नहीं करेगा, आपको वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा, इंप्रेशन नहीं भेजेगा, जिसके कारण से दोस्तों आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कैटेगरी आपको एक ही रखना है अपने चैनल में, ठीक है? तीसरा स्टेप। चौथा दोस्तों, वीडियो अपलोड करने का टाइम, आप जो भी वीडियो को आप अपलोड करते हो वो आप टाइमिंग फिक्स करो कि हम सुबह वीडियो अपलोड करना चाहेंगे करेंगे 6 या 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम रहेगा, आप फिर शाम को करेंगे, दोपहर को करेंगे, नाइट में करेंगे, जो भी आप वीडियो को अपलोड करेंगे उससे एक टाइमिंग आप फिक्स कर लो कि इतना टाइमिंग को हम वीडियो रोज रेगुलर अपलोड करेंगे हम, तो टाइमिंग भी मायने रखता है दोस्तों, ठीक है? टाइमिंग आप फिक्स रखोगे तो यूट्यूब क्या करेगा, आपको वीडियो को रिकमेंड ज्यादा करता है, बूस्ट ज्यादा करता है, एक टाइमिंग अगर आप फिक्स रहेगा तो, ठीक है? आप देख सकते हो दोस्तों जो अपने से बड़े बड़े यूट्यूबर को आप देखो, उस लोग एक टाइमिंग फिक्स रखता है, क्यों रखता है, कुछ कारण है तभी ना रखता है। तो आप भी दोस्तों क्या करो, एक टाइमिंग को फिक्स बना लो, वो उसी टाइमिंग को रोज वीडियो को अपलोड करो। ऐसा नहीं कि आज हम 6 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं शाम को तो कल हम सुबह वीडियो अपलोड कर देंगे 8 बजे, ऐसा आपको नहीं करना है। रोज आपको 6 बजे शाम को ही वीडियो अपलोड करना है, एक टाइम आपको फिक्स करना है, ठीक है? ये आपको चौथा हो गया। पांचवा हो गया दोस्तों, वीडियो अपलोड करने के बाद खुद 2-4-5 बार देखो। यहाँ थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो को अपलोड करने के बाद अपने से देखने के बाद वीडियो को उसमें मेरा चैनल को बुरा असर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जब भी आप दोस्तों शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो तो क्या करो, दो चार पांच बार अपने से खुद देखो। ऐसा क्यों करो दोस्तों, ये अगर वीडियो का जब अपलोड कर रहे हो तो अपलोड करते टाइम दोस्तों उसको वीडियो का इंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब वीडियो को खुद अपने बार चार पांच बार वॉच करोगे वीडियो का इंप्रेशन ज्यादा आएगा, तो यूट्यूब क्या करेगा आपको वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करेगा। ज्यादा रिकमेंड करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको ज्यादा व्यू जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका चैनल बूस्ट करेगा। तो अगर ऐसा आपको डर भी लग रहा है कि नहीं, अगर हम अपने अपने मोबाइल में तो अपलोड करके वीडियो को अपने देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसा आपको डर लग रहा है तो आप करो क्या, किसी दूसरे मोबाइल में वीडियो को देखो। लेकिन अपलोड करेगा उसके बाद तुरंत करके जितना बार देख सकते हो, दो बार चार बार पांच बार दस बार वीडियो को देखो, और देखने के बाद वीडियो को इंप्रेशन उससे बढ़ता है, ठीक है। तो वीडियो को खुद से इंप्रेशन बढ़ाओ, जिससे आपका यूट्यूब को समझ में आएगा कि वीडियो अच्छा क्वालिटी का वीडियो है, इसमें कुछ दम है, जिसके कारण से लोग बार बार वीडियो को देख रहा है। तो ऐसे भी वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करेगा, आपको इंप्रेशन ज्यादा भेजेगा और आपका चैनल बूस्ट करेगा, ठीक है। तो पांच स्टेप को फॉलो करना दोस्तों आपको जगह पहला स्टेप में, फिर आपको बताता हूँ। पहला स्टेप आपका अगर चैनल में वीडियो अपलोड करो व्यूज नहीं आ रहा तो नया चैनल बनाओ, ठीक है। और दूसरा आता है दोस्तों अगर रेगुलर वीडियो अपलोड करो। तीसरा दोस्तों आपको कैटेगरी को, आप एक कैटेगरी को आप चूज करके रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग फिक्स कर लो। और पांचवा है दोस्तों कि वीडियो अपलोड करने के बाद दो चार पांच बार आप खुद वॉच करो, ठीक है। तो ये दोस्तों पांचों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ऑटोमेटिक आपका चैनल बूस्ट करेगा और आपका चैनल दोस्तों कभी आपका फ्रीज नहीं होगा। तो ये पांचों स्टेप दोस्तों एक शॉर्ट कैटेगरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फॉलो करो, आपको अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी वीडियो को अपलोड करोगे दोस्तों आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पहले मेरा क्या हो रहा था और मेरा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया कि जैसे एक शॉर्ट कैटेगरी में क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करना है, जिसके कारण से दोस्तों आप एक फ्री चैनल को भी अनफ्रीज कर सकते हो और आपको जो वो कम व्यूज आ रहा था उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।